उन्होंने आज पुनः बहुत ही विस्तृत रूप से लॉकडाउन के अनुपालन की समीक्षा की और प्रत्येक जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के लिए यह निर्देश दिया कि फील्ड में तैनात सभी प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी मंडी और घनी आबादी वाले क्षेत्रों में नियमित पेट्रोलिंग करें। यह सुनिश्चित वो करें कि आवश्यक सामग्री की सप्लाई चेन में जुड़े वाहन को छूट का दुरुपयोग ना हो और यह जारी किया जाए। और ये मैं पूरे प्रदेश के लिए कहना चाहूंगा कि बॉर्डर पर या किसी मुख्य मार्ग पर अगर किसी ट्रक में जानबूझकर सवारी बैठाई जाएगी तो ऐसे ट्रकों को जब्त कर लिया जाएगा। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का जो निर्देश है वो पुलिस विभाग और सभी जिलाधिकारियों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों और पुलिस अधीक्षकों के लिए है कि हर हालत में यदि ढोते हुए कहीं भी कोई भी वाहन छोटा या बड़ा अवैध रूप से ले जा रहा है तो ऐसे वाहन को भी जब्त कर लें। तो ट्रांसपोर्टर्स और इस प्रकार के जो भी ड्राइवर्स हैं उनको ये चेतावनी रहेगी कि वो किसी भी तरह से लॉकडाउन का उल्लंघन ना करें, जो हिदायत है उसको फॉलो करें। केवल ड्राइवर और क्लीनर गाड़ी में रहेगा, लौटते टाइम भी अगर गाड़ी खाली जाएगी तो कोई और व्यक्ति उसमें नहीं बैठेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक और निर्देश ये दिया है कि जो क्वारंटाइन सेंटर हैं उनमें